कि जम्मू कश्मीर को मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी नेहरू परिवार की गिद्ध दृष्टि से, षड्यंत्र से हम बचाएंगे। किसी भी सूरत में इनका नरेटिव नहीं कामयाब होगा। ये तीनों परिवार जम्मू कश्मीर को वापस 370 की जंजीरों में बांधना चाहते हैं। ये तीनों परिवार जम्मू कश्मीर के अंदर वापस कुषाण युग लाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लगेगा, मेहनत की प्रकाष्ठा करेगा, जन जन को जाकर समझाएगा और किसी भी सूरत में इन तीन परिवारों का षड्यंत्र यानी जम्मू कश्मीर को 370 और 35 ए की जंजीरों में बांधने का, उसे पूरा नहीं होने दिया जाएगा। 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने दो प्रधान, दो निशान, दो संविधान और इन तीन परिवारों की दास्ता से जम्मू कश्मीर को मुक्ति दिलाई थी। अब जम्मू कश्मीर आगे बढ़ चुका। इन तीन परिवारों ने 1990 में जम्मू कश्मीर के नागरिकों के साथ छल किया, षड्यंत्र किया था, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में फारूक अब्दुल्ला साहब हो या गृह मंत्री के रूप में मुफ्ती साहब हो या कांग्रेस टीम के साथ पैट हो, तीनों परिवारों ने षड्यंत्र रचा था। अब जम्मू कश्मीर की जनता इन तीन परिवारों के षड्यंत्र में नहीं आने वाली। इन तीन परिवारों ने जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल बना दिया, बदनाम कर दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर को विकास, विश्वास की राह पर लाकर टूरिज्म कैपिटल बनाया है। किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर को इनकी नजर नहीं लगने। हमने आतंकवाद भी खत्म किया है, आतंकवादियों की आयु भी खत्म की है, उनकी संख्या भी कम की। जिस तरह से विकास और विश्वास का वातावरण बना, जैसे बायकॉट से हायर पोलिंग तक जम्मू कश्मीर आया, इसलिए कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, कुछ लोग बौखलाहट में षड्यंत्र रच रहे हैं और ये षड्यंत्रकारी चाहे वो बाहर से हैं या यहाँ उनको शरण देने वाले हैं, ये सब षड्यंत्र निष्फल होंगे। जो लोग भारत के नागरिकों पर हमले कर रहे हैं, जो भारत के नागरिकों को मारना चाहते हैं, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। जम्मू कश्मीर के हर नागरिक की सुरक्षा हमारी जिम्मेवारी है और भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म है।